अपना परिचय दे के माध्यम से कि जितने भी पद सभी विभागों में खाली हैं, पुलिस दरोगा कलेक्टर, आप देखते होंगे समाचार पत्रों में आता है कि अधीनस्थ के 50,000 पद खाली हैं, लेकिन कभी भी जो है विज्ञापन जमीन पर नहीं आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 40,000 अधियाचन आया, उसके पदों को काट पीट करके 15,000 कर दिया गया, उसके बाद भी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। अब पता नहीं चला कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग यहाँ कमरे की किरायेदारी से एकदम त्रस्त आ गए, हर महीने 3,000-2,500 किरायेदारी देनी होती है। अब सरकार यह चाहती है कि एक भर्ती जो है 5 साल में पूरा हो, तो इसलिए हम लोग आज युवा दिवस के दिन अपनी आवाज शासन तक पहुँचाने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुखिया जी हमारी आवाज सुने और जो पद खाली है उसको विज्ञापन जारी करें, वरना जिस तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किसान खड़े हैं उसी तरीके से उत्तर प्रदेश का युवा भी दिल्ली तक कूच करेगा। अनिल सिंह, अध्यक्ष हिलवामन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जितने बहुत काफी संख्या में विद्यार्थी आए हुए हैं, लेकिन उससे भी कई गुना संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है विद्यार्थियों को डरवाने के लिए, ताकि छात्र डर जाएं और छात्र यहाँ ना आने पाए। खाली पदों के विज्ञापित करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके, पूरे नेशनल लेवल पर वीडियो ये युवा मंच के संयोजक हैं राजेश जी, वो आप लोगों से कुछ बातें करना चाहेंगे, तो आइए। बोलिए दोस्तों, आप जानते हैं, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाएगी। आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, रोजगार का अधिकार लेकर रहेंगे, युवा दिवस जिंदाबाद, युवा दिवस जिंदाबाद, युवा मन जिंदाबाद, रोजगार का अधिकार लेकर रहेंगे। आप लोग पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में फोर्स लगी हुई है। पदों पर भर्ती करो, एक सेकंड। Let's go.
घोषित करो, इंटरमीडिएट घोषित करो, यूपीटेट घोषित करो, जुमलाबाजी बंद करो, जुमलाबाजी बंद करो, लोगों के पंचांग में सपोर्ट, जल्दी से विज्ञापन जारी करो, जारी करो, जारी करो, और लेखपाल के अधीनस्थ के 8000 पद जारी करो, जारी करो, हो गया है, गरीब को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, जारी करना होगा, जारी करो, अब मैं बताऊं, दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, दरोगा नहीं, जब से सरकार आई 5 साल से वादा किया कि हम दरोगा निकाल के लाएंगे, और हर 6 महीने केवल पेपरबाजी होती है, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, अब वैकेंसी नहीं आ रही है, ओरिजिनलिटी कोई नहीं, और ये इसलिए 1 साल में हम निकालेंगे, चुनाव है 2022 में, और ये भर्ती जाके फंस जाएगी हाईकोर्ट, और वो जिसकी सरकार आएगी अब वो फिर से इसमें विज्ञापन और सबको बाहर करेगी, और हमारे साथ शोषण हो रहा है, आप लोग अपना वोट सही लोगों को दीजिए, ये भ्रष्ट लोगों को वोट कभी मत देना, बड़े नहीं नौकरी नहीं पाएंगे आप लोग, योगी योगी मोदी हाय हाय, खाली विज्ञापन वोट देना होगा, देना होगा, देना होगा, खाली विज्ञापन देना होगा, देना होगा, देना होगा। विद्यार्थियों की अलग अलग मांगे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 3200 बीपीएड की जो भर्ती है वो कई दिनों से रुकी हुई है, उसको लेकर के विद्यार्थियों ने मांग उठाई है, इसी तरीके से मांग की है कंप्यूटर शिक्षक टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आना है उस नोटिफिकेशन में कंप्यूटर विषय को शामिल किया जाए, और शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले निकाल दे, चूंकि टीटी का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है, इसलिए विद्यार्थी जान चुके हैं कि जो शिक्षक भर्ती को लटका दिया गया है, तो अलग अलग बैनर है यहाँ पर, एक बैनर और अभी आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ है 9700 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, ये देख सकते हैं यहाँ पर, नीचे यहाँ पर लिखा है सभी सरकारी विभागों के पदों को, खाली पदों को भरा जाए, आज 12 जनवरी युवा दिवस है, महान स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के हम लोग युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जितनी है, जब सरकार इनको आनी चाहिए है तो इतने बाजी करेंगे, हम 5 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब ये बन जाती है ना सरकार, तो ये स्विट्जरलैंड में घूमते हैं, अब 5 साल हो गया, 4 साल घूम लिए हैं, अब ये हमारे घर दुआरे आएंगे, और वहाँ पे जुमलेबाजी करेंगे, हमको वोट दीजिए, हम रोजगार देंगे, ये कभी रोजगार नहीं देते हैं, अब जुमलेबाजी करते हैं, अब पेपरबाजी करते हैं, हर 6 महीने में बच्चों को ये गलत उनके साथ ब्लैकमेल करते हैं, हर 6 महीने में दैनिक जागरण अमर उजाला में निकालेंगे, दरोगा की 95% ताबड़तोड़ आ रही है, अब बच्चा फिर से 6 महीने तैयारी करता है, गाँव में किसान कहीं से पैसा ले आके अपना खेत बेच के या गहन रख के या गेहूँ बेच के या चावल बेच के पैसा लाता है, और यहाँ पे कोचिंग करता है, 6 महीने तक वो तैयारी करता है, इसके बाद 6 महीने पढ़ने के बाद विज्ञापन नहीं आता है, इसके बाद वो कॉपी किताब साइड करता है, और फिर वो 2-2 रुपए के लिए तबाह, को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, नौकरी ढूंढेगा, फिर वो कहीं चपरासी की नौकरी ढूंढेगा या कहीं होटल में काम करेगा, फिर वो पैसा बनाएगा, इसके बाद फिर भर्ती 5 साल से यही चल रहा है, जंगल रात कायम है, और ये भी वैकेंसी नहीं आ रही, मैं ये बताना चाहता हूँ अभी घोषित करो।
प्रणाम सर, मैं रमाकांत यादव, यहाँ पे युवा मंच की टीम आपने दीपावली जी में आज युवा दिवस के दिन एक बार रोजगार मांग रहे हैं। जिस तरह से सरकार कहती है बार बार जा रही है, जा रही है,